ढाई घंटा लगा इस मेकअप करने में। लक्ष्मी नारायण अभ्याम नमस्ते। मुड़े हो गए। गुड टू एवरीवन एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज स्पेशल रक्षाबंधन का फेस्टिवल, तो आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से हैप्पी राखी। ये थी मेरी मेहंदी, इन्होंने लगाई है और ये मैंने लगाई है। मुझे भी नहीं आती मेहंदी लगानी, क्योंकि जो भैया मतलब कल पूछो मत, रात भर पूरे हमारे 27 घंटे लाइट नहीं थी, 27 घंटे लाइट नहीं थी, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कहीं नहीं जाना हुआ, लाइट ही नहीं थी, कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि शेविंग ही नहीं कर पाया, लाइट कट भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया, समझ में नहीं आ रहा। मतलब इतना गंदा फेस्टिवल जाएगा सोचा नहीं था, बट हैपनिंग बनाएंगे इसको। तो हमारे यहाँ बुआ आई है, वो भी बेचारी इसी कंडीशन में आ गए थे, फंस गई थी, और आपको आई है 3:30 बजे आई है लाइट, 2:30 बजे लाइट आई है, तब जाकर सब लोग सोए। बोला रात भर बातें चिट चट करते रहते हम सब सारे लोग, अब जा करके मतलब ठीक है लाइट वाइट है, तो अभी बुआ से मिलवाएंगे आएंगी तो राखी बांधे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, फिर बताती हूँ, मेरी कोई ननद नहीं है एंड हमारी कोई बहन नहीं है। हाँ, तो वही बात हुई, हमारे शुरू से बुआ आती है, जब से हमने होश संभाला है, हमारी जो राखी है हमारी बुआ बांधती है। हाँ, तो पापा को ही बांधती है, उन लोगों को बांधती है, तीनों भाइयों को। तो अभी जस्ट आएंगे तो उनसे मिलवाएंगे, तो चलते हैं फटाफट, हम भी नहाने धोने फटाफट रेडी होने। तो ये है हमारी बुआ सास। बुआ हेलो बोल दो सबको। हेलो। हाँ, ये हमारी बुआ है और ये बांधिए पहले कुरु की, फिर बांधेंगे इनकी। तो जब से मैं आई तब से तो बुआ को ही देखा, क्योंकि सिस्टर मतलब बहन तो है नहीं, तो बुआ से ही बंधाते हैं राखी। तोड़ दे इसे ऐसे करती करती। बुआ की दो बेटियां शादी हो गई हैं, एक बहू भी आ गई है, लगती है बुआ बुआ भी जवान है असली माल खा रखा बुआ ने हम तो बूढ़े हो जाते हैं, अभी से ही बाल झड़ने लगे बूढ़े हो गए। सब राखी बंद रही है सुधा के सड़म उधर का मुँह करो अपना, तुमने लड्डू का मुँह फुला रखा तैयार भी नहीं, क्योंकि बुआ को निकलना है जल्दी, क्योंकि घर पे आती है बुआ की बेटियाँ, तो हम लोग तो थोड़ा आराम से निकलेंगे भी। और बुआ हमारी जा चुकी है, जा चुकी है मतलब वो जा रही है, जा रही है वो, मेरी कंगना बन गया, कंगना सॉरी और मेरे को छिप गया इस कमीज के पीछे छिप गया है। तो चलो हम भी तैयार होते हैं, क्योंकि हमें भी लेट हो जाने के लिए। हीरा-हीरा तुम तैयार हो चुके हो, मेरे घर में बनना है बस। अभी कहाँ तैयार हुआ, अभी जूते तो पहनने हैं, बच्चे भी रेडी है बस। कुहू आई लव इट ब्लैक रसगुल्ला, कमजोरी मेरी है तो आरोप है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ब्लैक वाले रसगुल्ले ना। इसे भी लगते हैं मुझे भी। देखो त्योहार वाले दिन भी रो रही है भाई की बहुत याद आ रही है अपनी। चलो ना चलते रहे भाई के पास, चल ले चलो चलो, सारा मेकअप धुल जाएगा सुधा यार, पूरे 2.5 घंटा लगा इस मेकअप करने में, सब धुल जाएगा, क्यों रो रही हो यार, चलो। तो फाइनली मैडम हो चुके तैयार, लेकिन तैयार के साथ थोड़ा सी सैडनेस भी आ गई, रोने लगी। एक्चुअली उसका मंगलसूत्र पता नहीं कहाँ रखे हैं, याद नहीं है, तो सारा सामान पता नहीं कहाँ रख दिया है, अब वो मिल नहीं रहा है एट ए टाइम, तो जिद कर रही थी पैर के जाना है, अब वो मिल नहीं रहा है, काफ़ी ढूंढ लिया मिल नहीं रहा है, और ये नहीं देख रही कि जीता जागते इतना बड़ा सुहाग जा रहा साथ में, वो कुछ नहीं है, कह रही मेरे को वो मेरा मंगलसूत्र दो मुझे पहनने के लिए। अरे पागल, तुमने मुझे फर्स्ट टाइम दिया था ना, तो भाई ढूंढ लिया, नहीं मिल रहा यार, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ रख के भूल गया हूँ मैं।
तो चलो जब आएगी उसके बाद देखेंगे, ढूंढ लेंगे एक बार। रोने बैठ गई। तो हम आ चुके हैं, कुहू के पापा पहले आ चुके हैं। नमस्ते बोलेंगे ना ऐसी। चलो चलो चलो, ये ठीक है। और इस पे ऐसे ऊपर फेंक दो। यस तो तू खाली मुंह मार। ये हैप्पी राखी बोलो भाई को। भाई कुछ खा लो, तुम खा लो बाकी, आप खा लो। अच्छा यो हने सिंह, खूब गाना भी गाओ साथ साथ। यो हने सिंह मेरी मम्मी सोच रही पंडित जी कब आएंगे, पूजा होना है। यहाँ सारा तैयारी हो चुका है, सारे प्रसाद प्रसाद हो चुका है, क्योंकि आज है पूर्णमासी का आखिरी दिन जो कि रक्षाबंधन का होता है, और वो आज जो कि सत्यनारायण भगवान की कथा। तो पंडित जी का वेट हो रहा है। आई नो शाम के टाइम हो रहा है, बट सुबह से पंडित जी भी नहीं थे। नहीं चल चल पापा इधर तो देखिए, हेलो बोल दीजिए। ये भी बैठे धोती पहनने के लिए, पंडित जी आएंगे तो पहनेंगे धोती, कथा सुनेंगे ना इस चक्कर में। पापा धोती पहन के तैयार हो गए पूजा में पहनने के लिए, बिना कुर्ते के बनियान। ये तैयारी सारी हो चुकी है, पंडित जी आ चुके हैं और यहाँ पे काम हो रहा है, बचा कुचा काम जो रह गया था। डब्बा ही लेके बैठ गया तू बेटा। अच्छा डब्बा लेके कौन बैठता है? ओम च लक्ष्मी नारायण अभ्याम नमः स्वाहा। ओम च लक्ष्मी नारायण अभ्याम नमः स्वाहा। ओम च लक्ष्मी नारायण अभ्याम नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायण नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायण नमः स्वाहा।
एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी राखी का है नेक्स्ट डे। कल मैंने ब्लॉग को एंड बिल्कुल भी नहीं किया। हम लोग पूजा पाठ के बाद डिनर वगैरह में लग गए और बिल्कुल ही दिमाग से माइंड से आउट हो गया कि ब्लॉग का एंड करना है। तो आज है नेक्स्ट डे राखी का और ये सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चले गए हैं और ज़्यादा समय का मैं शूट नहीं कर पाई। कोई नहीं, ये जा चुके हैं और हम जा रहे हैं फ्रेशन अप होने के लिए। ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आज का ब्लॉग शुरू करेंगे नया। तो मैं यहाँ पे अभी 5 दिन हूँ यहाँ पे, तो आपको मेरे मायके का ब्लॉग मिलेगा देखने। और हो सकता है सर जी भी जा रहे हैं थोड़ा बहुत ब्लॉग बना करके। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।